सबसे पहले तो मैं तमाम देशवासियों को एडवांस में ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईद की नमाज इंशाल्लाह तबारक व तआला बड़ी ईदगाह सुनारी रोड के ऊपर 7:45 पौने 8 बजे इंशाल्लाह तआला ईद की नमाज अदा की जाएगी और 6:45 पर हमारी घर से रवानगी होगी। ईदगाह जाते वक्त तमाम हज़रात इस बात का पूरा ख्याल रखें कि रास्ते के अंदर अदब और एहतराम के साथ जाएं और अल्लाह का जिक्र करते हुए जाएं और तमाम लोगों से मुसाफा और मुआनका करते हुए जाएं। वापसी में तमाम देशवासियों को और तमाम मिलने वालों को ईद की मुबारकबाद पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। तमाम बरादरान इस्लाम से गुजारिश की जाती है कि ईदुल्फ़ित्र की नमाज जदीद ईदगाह यानी अलहदीस ईदगाह में जो पुलिस थाना लाडनू से आगे जसवंतगढ़ रोड पर है यहाँ 7:15 ईदुल्फ़ित्र की नमाज अदा की जाएगी। तमाम मर्द ज़न बुज़ुर्ग जवान बच्चों से मेरी गुजारिश है कि वो ईदगाह में पैदल ही ज़्यादा जाएँ आएँ। हाँ, जो मजबूर हैं जिनके पैरों में ताकत नहीं है या चलने से जिन्हें तकलीफ़ होती है वो किसी सवारी का इंतज़ाम करें, लेकिन सुन्नत रसूल यही है कि पैदल आदमी ईदगाह जाए। रास्ते में जाते आते वक्त रास्ते के जो उसूल और जवाबित हैं उनको भी मद्देनज़र रखा जाए, कहीं भीड़ जमा ना होने दिया जाए, रास्ते में किसी किस्म का शोरगुल कोई नारेबाजी बिल्कुल ना की जाए और इस्लामी आदाब और एक अच्छे महज़ब शहरी होने का इस मौके पर भी आप सबूत दें। और ईदुल्फ़ित्र की नमाज इस खुशी में अदा की जा रही है की जाती है कि एक महीने तक रमज़ान के रोज़े और फ़राइज़ और नफली नमाज क़यामुल्लैल तरावीह की नमाज वगैरह अदा की जाती है। उस खुशी में ये नमाज जो है इस्लाम ने हमें बताया कि एक मैदान में जमा होकर के इस नमाज को अदा किया जाए। शाही ईदगाह में ईद की नमाज का वक्त 7:45 रखा गया, 7:45 ईदुल्फ़ित्र की नमाज अदा की जाएगी। तमामी आज का जो दिन है ईदुल्फ़ित्र का दिन, ये बड़ी शादमानी का दिन है और ये वो दिन है कि इस दिन तमाम आपस में हम एक और नेक बन कर दे रहे हैं। ईदुल्फ़ित्र का जो दिन है ये एकता का हमें पैगाम देता है। जो इस वक्त मुल्क के हालात चल रहे हैं तो हम यही सोच करके इस्लाम ने हमें मोहब्बत का पैगाम दिया, इत्तेहाद का पैगाम दिया, एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ रहने का पैगाम दिया, तो हम आपस में भाईचारे के साथ में ईदुल्फ़ित्र की नमाज अदा करेंगे और इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ हम एक दूसरे से मानिका करेंगे, गले मिलेंगे।